तो इसमें जो एक प्ले है ऑब्वियसली जो प्ले होता है दैट्स ऑलवेज परफॉर्म ऑन द स्टेज तो यहाँ पे लेकिन है जो हमें ये हमें पढ़ना है तो इसमें जो कैरेक्टर्स है सबसे तो पहला जो कैरेक्टर है दैट इज़ ऑनेबल वॉर्ड फिडॉन दर इज अ स्कॉटिश जज विलियम ब्रॉडी ऑफ एल्टन दर इज अ स्कॉटिश लैंड लॉर्ड जी अ पीजन वुमेन एंड कॉलोनिल लॉयनिल एलाटेस दैट इज चीफ कॉन्स्टेबल तो प्लीस है तो जो ये स्टोरी है ये जो प्ले है इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन इज एक्चुअली मिस्ट्री मिस्ट्रिक प्ले ठीक है तो इट्स रिटन बाय नील ग्रांड जो उसका राइटर है तो इसमें जो विजिबल कैरेक्टर्स है विजिबल कैरेक्टर्स हम कह सकते हैं दो कैरेक्टर्स विच आर ऑन द स्टेज तो वो दो है दे आर ऑन द दे आर दीज फोर ये विजिबल कैरेक्टर्स है बेसिकली पहले दो जो स्टार्ट करते हैं दर इज अनरेबल लॉर्ड फिंड स्कॉटिश जज और एक दिस विलियम ब्रोडे होता है जो कि स्कॉटिश लैंड लैंड लॉर्ड होता है वो क्या वो जो जब स्टार्ट होता है जो ही कटेन खुलता है इस प्ले के लिए तो ये दो जो है दे आर डिस्कसिंग अबाउट द मिस्ट्रेस मिस्टीरियस दिस मर्डर ये मिस्टीरियस मर्डर जो है वो किसका हो गया होता है वो एक ब्यूटीफुल यंग वूमन का हो गया जिसका नाम नीले साल्टर होता है ठीक तो नीले साल्टर जो है जो जो उसका मर्डर है तो उसके लिए उस मर्डर के लिए दो यहाँ पे सस्पेक्ट्स होते हैं एक तो हेक्टर लोमो है दैट इज़ अ लवर ऑफ़ दिस नीले साल्टर और दूसरी उसकी माँ जिसका नाम है ये जीन लॉमोड जिसको मिसिज लॉमोड भी कहते हैं या मिसिज जीन भी आप को तो इसमें पढ़ने को मिलेगा तो उसके अलावा यहाँ पे कॉलोनल तो चीफ कॉन्स्टेबल पुलिस है इसके अलावा एक और इंस्पेक्टर है जिसका नाम शूटर होता है तो ये जो प्ले है दैट स्टार्ट्स विद डिस्कशन अबाउट दिस मिस्टीरियस मर्डर ऑफ नीले साल्टर तो ब्रोडी और जज फाइंड हॉर्न जो है बाहर हवाएं तेज चल रही होती है वो एक जगह पे बैठे होते हैं एक किसी तो टेकिंग डिनर एज वेल एज हैंग वाइन एज वेल तो लेकिन वो जो है बातचीत चल रही होती है डिस्कशन चल रहा होता है इसके मर्डर पे तो जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बात की जाती है तो तो वो रात का खाना भी खाती